हेलो एवरीवन, मैं रेनू शर्मा स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के वीकली करंट अफेयर्स को और यह रहेगा हमारा जुलाई मंथ का सेकंड पार्ट। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया है, अगर आपने वीडियो चेक नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वीडियो चेक कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में पहली हाइड्रोलिक पार्किंग कहाँ बनेगी? वेयर विल द फर्स्ट हाइड्रोलिक पार्किंग बी बिल्ट इन हिमाचल प्रदेश? फर्स्ट ऑप्शन है संजौली, सेकंड ऑप्शन है नालागढ़, थर्ड ऑप्शन है मंडी और फोर्थ ऑप्शन है धर्मशाला। तो राइट ऑप्शन रहेगा संजौली। बात करें संजौली की, शिमला शहर की पहली हाइड्रोलिक पार्किंग का निर्माण संजौली कॉलेज में किया जाएगा। राजधानी में पंजीकृत वाहनों की संख्या 80,000 है और शहर में वाहन पार्क करने की जो क्षमता है वो 10,000 वाहनों की भी नहीं है, जिसकी वजह से शिमला को सबसे क्राउड वाला शहर माना जाता है हिमाचल में। लोक निर्माण विभाग के मंत्री ने शहर का दौरा करते हुए पार्किंग की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं और वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के जो मंत्री हैं उनका नाम है विक्रमादित्य सिंह, और विक्रमादित्य सिंह जो है वो बिलोंग करते हैं शिमला से और ये चुनाव लड़ते हैं शिमला ग्रामीण वाली सीट से, वहां से ये एमएलए बने हैं। आप मुझे आंसर करेंगे यहाँ पे, एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वाला कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जो टैक्सी स्टैंड है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है और कौन सी जगह के ऊपर बना है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में चंडीगढ़ में कितनी हिस्सेदारी का दावा किया है? हाउ मच शेयर हैज हिमाचल प्रदेश क्लेम्ड इन चंडीगढ़? फर्स्ट ऑप्शन है 6.15%, सेकंड ऑप्शन है 7.19%, थर्ड ऑप्शन है 8.15% और फोर्थ ऑप्शन है 6.52%। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा 7.19%। बात करें पंजाब की, तो भाषा के आधार पर गठित किया गया था। 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा दोनों की जो कैपिटल थी वो चंडीगढ़ को बनाया था। चंडीगढ़ को कैपिटल बनाने से पहले जो पंजाब की कैपिटल थी वो शिमला सी थी, और 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश में विशाल हिमाचल डे बनाना शुरू हुआ था। इसके पीछे कारण बताया जाता है, इसके पीछे कारण ये रहा है कि 55,673 स्क्वायर किलोमीटर जो हिमाचल का वर्तमान वाला एरिया है वो हमें 1966 में मिला था, जिसके कारण हम 1 नवंबर को विशाल या ग्रेट हिमाचल डे मनाते हैं। इसके साथ एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसको बोला जाता है पहाड़ी दिवस। जो पहाड़ी दिवस है वो भी सेम डेट को मनाया जाता है 1 नवंबर को। इसके साथ कुछ और भी डे हैं जो इम्पोर्टेंट वाले सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे 15 अप्रैल को मनाया जाता है हिमाचल डे और 25 जैन को मनाया जाता है पूर्ण राज्यत्व दिवस या स्टेटहुड डे। तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश ने शराब की बिक्री पर कितना गाय उपकर लगाया है? हाउ मच काउ सेस इज इम्पोज ऑन दी सेल ऑफ लिकर इन हिमाचल प्रदेश? लिकर बोल लो या फिर आप हार्ड वाला एल्कोहल भी कहा जा सकता है। 5 रुपी, सेकेंड ऑप्शन है 8 रुपी, थर्ड ऑप्शन है 10 रुपी और फोर्थ ऑप्शन है 12 रुपी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन रहेगा 10 रुपी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को जब उन्होंने बजट पेश किया था 2023 और 24 का, तो उन्होंने अपने बजट में अनोखे काउ टैक्स का प्रावधान किया था। शराब की हर बोतल के ऊपर उन्होंने 10 रुपए के हिसाब से जो है वो काउ सेस लगाने की बात कही है और हर साल जो है वो 100 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को प्राप्त होगा अगर काउसेस 10 रुपए लगाया जाता है पर बॉटल के ऊपर। इससे पहले भी काउसेस लगाया जाता था, पहले 5% था, उसके बाद इसको बढ़ाकर 8% किया और वर्तमान में 10% कर दिया गया है, मतलब 10 रुपए किया गया है। पहले 5 रुपए था, फिर 8 रुपए था, फिर उसके बाद 10 रुपए था, परसेंटेज नहीं है यहाँ पे। और इसके साथ और भी आपके स्टेट हैं जहां पे काउसेस लगाया जाता है, जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अलग अलग राज्य पर लगाया जाता है। गाय उपकर की जो दर है वो 2% से लेकर 20% तक के बीच में है, तो हिमाचल सरकार ने 10 रुपए प्रति बॉटल लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीबीएमबी परियोजना और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में अपने हिस्से के लिए हिमाचल के दावे को देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट ए कमेटी अंडर हुज चेयरमैनशिप टू लुक इनटू हिमाचल प्रदेश क्लाइम फॉर बीबीएमबी प्रोजेक्ट एंड इट्स शेयर इन यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़।
फर्स्ट ऑप्शन है चंद्र कुमार, सेकेंड ऑप्शन है हर्षवर्धन, थर्ड ऑप्शन है जगत सिंह और फोर्थ ऑप्शन है कुलदीप सिंह पठानिया। तो राइट ऑप्शन रहेगा चंद्र कुमार। बीबीएमबी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, जो आपका भाखड़ा पावर प्रोजेक्ट है और साथ में पोंग जो पावर प्रोजेक्ट है, भाखड़ा वाला बिलासपुर में पड़ता है, पोंग वाला कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये दोनों के दोनों जो पावर प्रोजेक्ट है वो बीबीएमबी के अंडर आते हैं। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड इसकी कंस्ट्रक्शन वर्क करता है। साथ में डिस्कस करते हैं चंद्र कुमार, जिनको अभी कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जिनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, वो कौन है, इनका नाम, ये जो चंद्र कुमार है ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं हिमाचल के वर्तमान में। हर्षवर्धन चौहान की बात करें तो इनके पास इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री है, इनको इंडस्ट्रियल मिनिस्टर बनाया गया है। और जगत सिंह नेगी की बात करें तो ये हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है हिमाचल के। कुलदीप सिंह पठानिया ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर है, हिमाचल में अध्यक्ष हैं विधानसभा के। और ये वाले जो अध्यक्ष बने हैं वो 17वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं, और जो विधानसभा चली है वो आपकी 14वें नंबर की विधानसभा चली है हिमाचल में। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में इग्नू से मास्टर डिग्री करवाने वाला पहला कॉलेज कौन सा होगा। विच विल द फर्स्ट कॉलेज इन दिस स्टेट टू गेट मास्टर डिग्री फ्रॉम इग्नू। फर्स्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर, सेकेंड ऑप्शन है NSCBM कॉलेज अणु जो हमीरपुर में है, और थर्ड ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद कॉलेज घुमारवीं, और फोर्थ ऑप्शन है गवर्नमेंट कॉलेज ऊना। तो राइट ऑप्शन रहेगा स्वामी विवेकानंद कॉलेज घुमारवीं। जिला बिलासपुर के घुमारवीं में स्थित डिग्री कॉलेज में फिजिक्स में MSc इग्नू से करवाने को मंजूरी मिला है। इसके अलावा कुछ और भी सब्जेक्ट है जिनमें MSc या MA करवाई जाएगी इग्नू के थ्रू। तो बात करें इसका जो टोटल वाला कॉस्ट होगी, 14,000 वार्षिक फीस रखी गई है। स्वामी विवेकानंद कॉलेज की स्थापना की बात करें तो इसको 1994 में स्थापित किया गया था। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल भारद्वाज का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है। विशाल भारद्वाज बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट ऑप्शन है मंडी, सेकेंड ऑप्शन है कुल्लू, थर्ड ऑप्शन है उन्ना और फोर्थ ऑप्शन है शिमला। तो राइट ऑप्शन रहेगा उन्ना। बात करें विशाल ठाकुर, विशाल भारद्वाज की, तो हिमाचल प्रदेश के उन्ना जिले के महतपुर से संबंध रखते हैं और ये एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में विजेता रही भारतीय टीम के सदस्य हैं और अंतरराष्ट्रीय कबड्डी के स्टार माने गए हैं। इसके साथ कुछ और भी पर्सन हैं जो कबड्डी के साथ जुड़े हैं, अजय कुमार। अजय कुमार का संबंध सोलन डिस्ट्रिक्ट से है और ये 2019 में अर्जुन अवार्ड पाने वाले हिमाचली कबड्डी टीम के खिलाड़ी माने जाते हैं। इसके साथ कुछ और भी पर्सन है उन्ना से, जैसे हिमाचल प्रदेश के उन्ना जिले से पद्म श्री प्राप्त चरणजीत सिंह, इनका संबंध हॉकी के साथ है। और जब भारत ने 1964 में गोल्ड मेडल जीता था उस टाइम पे चरणजीत सिंह जो है वो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे, उनकी कप्तानी में जीता गया था हॉकी का, जो उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सेवाओं की बेहतर डिलीवरी के लिए सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल खोला गया है। विच पोर्टल हैज बीन ओपन्ड बाय गवर्नमेंट इन ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर बेटर डिलीवरी ऑफ सर्विस। फर्स्ट ऑप्शन है हिम घर पोर्टल, सेकंड ऑप्शन है हिम सारथी पोर्टल, और थर्ड ऑप्शन है हिम परिवार पोर्टल, और फोर्थ ऑप्शन है हिम साथी पोर्टल। तो राइट ऑप्शन रहेगा हिम परिवार पोर्टल। बात करें मोहाली में गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी पर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी द्वारा आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए हिम डाटा पोर्टल को उन्होंने लॉन्च किया था। ये जो हिम डाटा पोर्टल है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है और जुलाई 2023 से राज्य सरकार हिम परिवार परियोजना जो है वो शुरू करने जा रही है, जो राज्य के लोगों को एक विशेष डिजिटल पहचान देगी। जैसे बात करें आपके जो परिवार रजिस्टर की बात करें, या फिर कोई और डाटा है जो आपके पंचायत से रिलेटेड है, या किसी जो भी आपकी पहचान से संबंधित है, वो सारा का सारा आपका हिम डाटा पोर्टल पर मिलेगा, जो हिमाचल सरकार के द्वारा एक नया पोर्टल शुरू किया गया है। हिम प्लस के माध्यम से राज्य की लाभ वितरण जो प्रणाली है वो और ज्यादा मजबूत होगी। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश सरकार ने छोटे दुकानदारों को 50,000 तक का कर्ज के लिए कितने अनुदान का उपलब्ध करवाएगी। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट विल प्रोवाइड लोन्स अप टू 50,000 टू स्मॉल शॉपकीपर ऑनवर्ड सब्सिडी। फर्स्ट ऑप्शन है 10%, सेकेंड ऑप्शन है 50%, थर्ड ऑप्शन है
80% और फोर्थ ऑप्शन है 60%, तो राइट ऑप्शन रहेगा 50%। बात करें हिमाचल प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना शुरू होने से व्यापारियों को आसानी से लोन उपलब्ध होगा। ये वाली नई योजना शुरू की गई है, तो आपने ध्यान रखना है कि लघु दुकानदार जो कल्याण योजना है वो कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। इस योजना की जो घोषणा है वो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा की गई है। जिस तरह प्रदूषित छोटे व्यापारियों को 50,000 तक का जो ऋण है वो आसानी से उपलब्ध करवाया जा सकेगा, ताकि जो व्यापारी हैं वो अपने व्यापार को आसानी से बढ़ा सके। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दूध गंगा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं? हाउ मेनी करोड़ रुपए हैज बीन सेक्शन फॉर दूध गंगा स्कीम रिसेंटली? फर्स्ट ऑप्शन है 10 करोड़, सेकेंड ऑप्शन है 15 करोड़, थर्ड ऑप्शन है 20 करोड़ और फोर्थ ऑप्शन है 25 करोड़। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन रहेगा 20 करोड़। बात करें जो 19वें नंबर की पशुधन जनगणना हुई थी उसमें हिमाचल प्रदेश में पशुधन की जो कुल संख्या थी वो 48,44,431 थी, और इसमें जो है वो 21,49,259 जो थी वो गायें थी, और 7,16,016 जो है वो भैंसे शामिल थी। बजट में हिम गंगा योजना के लिए 500 रुपए करोड़ का व्यय रखा गया है। हिमाचल प्रदेश में दुग्ध प्रसंग को 20 करोड़ रुपए की अनुदान जो राशि है वो स्वीकृत की जाएगी। इस योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत जिला कांगड़ा और हमीरपुर के पशुपालकों को लाभान्वित किया जाएगा। तो सबसे पहले जो शुरू किया गया है वो कांगड़ा और हमीरपुर से शुरू किया गया है इस योजना को, दूध गंगा योजना को। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग के युवाओं को रियायत मिलेगी? विच एज ग्रुप यूथ विल बी कंसेशन अंडर द राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम? फर्स्ट ऑप्शन है 18 to 30 years, सेकेंड ऑप्शन है 18 to 35 years, थर्ड ऑप्शन है 18 to 40 years और फोर्थ ऑप्शन है 18 to 45 years। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है 18 to 45 years, 18 से 45 साल के युवाओं के लिए ये योजना शुरू की गई है। युवाओं के लिए स्वरोजगार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 को शुरू किया। अभी हमने कुछ स्कीम्स को डिस्कस किया, योजनाओं को, तो आपने ध्यान में रखना है कौन कौन सी योजना कौन कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, वो सारी की सारी आपसे पूछी जा सकती है। 90% तक का जो ऋण है और वो सरकार वहन करेगी, और 10% जो है व्यय है वो लाभार्थी को वहन करना पड़ेगा। अगर बात करें महिला आवेदकों की तो उनकी अधिकतम जो आयु सीमा है उसमें जो है वो 5 वर्ष की छूट देने की बात हुई है। अगर महिला आवेदक है तो उसको 5 वर्षों की वो छूट मिलेगी। अगर उसको 45 है जेंट्स के लिए तो महिलाओं के लिए 50 हो जाएगी ईयर। ई टैक्सी, ई ट्रक, ई बस, ई टेम्पो की खरीद के लिए सभी पात्र श्रेणियों के जो निवेश उपदान की सीमा है वो 50% निर्धारित की गई है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। ये रहा आपके लिए पिछली वीडियो का प्रश्न। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नशे के काले कारोबार को रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? विच कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड बाई हिमाचल प्रदेश पुलिस टू स्टॉप द ब्लैक ट्रेड ऑफ ड्रग्स? फर्स्ट ऑप्शन है सावधान, सेकेंड ऑप्शन है तूफान, थर्ड ऑप्शन है सुरक्षा और फोर्थ ऑप्शन है प्रभाव। तो राइट ऑप्शन होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।